अगर आप भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपके चेहरे पर ब्रह्मचारियों जैसा तेज हो और शरीर में पहलवानों जैसा बल हो, तो आपके लिए सबसे जरूरी हो जाता है ब्रह्मचर्य को अखंडता के साथ पालन करना। और ब्रह्मचर्य के इतने सारे नियम हैं जिनको सुनकर कई युवा कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार इतने सारे नियम वो भी 24 घंटे में कैसे फॉलो करें, जिसमें कि कुछ घंटे तो उन्हें अपने नौकरी पेशा को देने होते हैं, पढ़ाई लिखाई को देने होते हैं और घर में और भी बहुत काम होते हैं, ये सब भी देखना होता है। तो इसी चीज का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपको बस करना कुछ नहीं है, इस वीडियो में बताई गई चीजों को अच्छे से समझना है और दिनचर्या को मेरे बताए अनुसार फॉलो करना है। इस दिनचर्या को फॉलो करने से आप पूरे दिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। अगर आपने इस दिनचर्या को एक दिन फॉलो कर लिया तो आपका ब्रह्मचर्य का फर्स्ट डे कम्प्लीट हो गया। और ऐसे ही अगर आपने 100 दिन यह दिनचर्या अपना ली तो 100 डेज ऑफ ब्रह्मचर्य इज कम्प्लीटेड बाय यू। और मेरे दोस्त, 100 दिनों के बाद देखना आप कितने बदल जाओगे। जैसे आज हो उससे लाख गुना ज्यादा आप सुधर जाओगे, सही हो जाओगे। तो चलो वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा और कुछ चीजें छोड़नी भी होगी। जो चीजें ब्रह्मचर्य में बाधा डालती हैं उन्हें आपको बिल्कुल खत्म कर देना होगा, छोड़ देना होगा, तभी आपका ब्रह्मचर्य लंबे समय तक चलेगा। तो क्या है वो चीजें, उनके बारे में सुन लो। आपको हर तरह की अश्लीलता से दूर रहना होगा, जैसे कि गलत देखना, गलत बोलना, गलत सुनना, तभी आप अश्लीलता से दूर रह पाओगे और अपने आपको अंदर से शुद्ध और स्वच्छ बना पाओगे। और आपको अपने आप को शुद्ध, स्वच्छ व सात्विक बनाने के लिए तीन चीजें फॉलो करनी होंगी। मन का मैल उतारना होगा, शरीर के अंदर का मैल छुड़ाना होगा और शरीर के बाहर का मैल निकालना होगा। मन का मैल निकालने का सिर्फ तो सिर्फ एक ही इलाज है, ध्यान और प्राणायाम। ध्यान प्राणायाम से आप अपने मन को स्वच्छ और सात्विक बना सकते हो। और शरीर की बाहर से और अंदर से सफाई करने के लिए आपको अपना खान पान सुधारना होगा और नियमित तौर पर योग व व्यायाम जरूर से करना होगा। तो अब आपको क्या करना है और कैसे करना है, सुनो अपनी दिनचर्या। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठने की तैयारी रात से ही करनी होगी। रात में आपको एक गिलास गर्म दूध में घी और अश्वगंधा पाउडर ये लेना होगा और आपको रात में 9 बजे तक ही सो जाना है, तभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ पाओगे। रात को किसी भी तरह की टेंशन बिल्कुल भी ना लें और डिनर लाइट रखें, हेल्दी रखें। और इवनिंग वॉक पर तो आपको जरूर से ही जाना है। ये कुछ चीजें फॉलो करके आप ब्रह्म मुहूर्त में आसानी से उठ सकते हो। उसके बाद आपको उषापान जरूर करना है। उषापान यानी कि सुबह सुबह आपको गर्म पानी जरूर पीना है। और उसके बाद सबसे मेन पॉइंट, कई युवा सुबह उठते ही आलस करते हैं, ये नहीं करते वो नहीं करते, तो सुबह के समय आपको आलस बिल्कुल भी नहीं करना है, जो करना है फुर्ती के साथ करना है। और उसके बाद फ्रेश होकर योग में सूर्य नमस्कार, 150 दंड बैठक और आखिर में 5 मिनट शीर्षासन, और बाकी आप समय के साथ साथ अपना तगड़ा वर्कआउट भी कर सकते हैं। वर्कआउट करने के 30 मिनट के अंदर अंदर आपको अपने पूरे दिन की हेल्दीएस्ट मील लेनी होगी, जिसमें कि सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए देसी गाय के दूध से बने सभी मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे कि पनीर, दही, घी, मक्खन और खोआ। इन सभी से आपको भरपूर प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स, ये सभी चीजें मिल जाएंगी, जो आपके मसल्स रिकवरी के साथ साथ मसल्स गेन करने में भी मदद करेंगे। इसके बाद आप शाम 5 बजे तक बिल्कुल फ्री हो, बस आपको बीच में लंच करना है, जो कि एकदम सात्विक होना चाहिए, घर का बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपको शाम में इवनिंग वॉक पर जाना है और रात के वो सभी नियम जो मैंने आपको दिनचर्या के स्टार्टिंग में बताए थे, 4-5 नियम, वो फॉलो करने हैं। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट, ये दिनचर्या फॉलो करने से जो आपकी मांसपेशियों का निर्माण होगा, यानी कि मसल्स का निर्माण होगा, उनमें पावर बनाए रखने के लिए ये दो चीजें जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, जरूर से फॉलो करना। इस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। बाकी चैनल का सब्सक्राइब बटन लेफ्ट टॉप पर है और वीडियो राइट में है, जाकर जरूर से देख लेना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।